बब्लू डब्लू पार्क में क्लास शुरू होने वाली है। मिस बैनर्जी अपना काम कर रही हैं। चलिए देखें आज क्या होता है। बच्चों, आज तुम्हारे लिए कुछ खास घर का काम। कुछ घर का काम? इन कपड़ों को अपने साथ ले जाओ। वाह, ये कितने प्यारे हैं। इन कपड़ों से अपनी गुड़िया की ड्रेस बनाओ। कल्पना से सोचकर कुछ डिजाइन करो। रचनात्मक बनो। तुम सबके पास एक सप्ताह है। अगर कोई सवाल है तो अभी पूछो। ठीक है, बाय मिस बैनर्जी। बाय। मैं धोनी के लिए एक पोशाक बनाना चाहती हूँ, पर गुलाबी कपड़े ज्यादा नहीं है। रिंकी? हाँ? तुम मेरा वाला ले लो। वाह, तुम्हारे पास ये है? शुक्रिया मुन्ना। कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं। हमें घर चलना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। मैंने तो पहले से ही सोचा हुआ है। पहले जाओ, मुझे अभी भी सोचना है। ठीक है, पर ज्यादा देर मत करना आने में। ठीक है भाई। ठीक है भाई। बड़े, क्या हुआ? तुम परेशान क्यों हो? वाह, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मुझे अपने खिलौने के लिए एक टोपी बनानी है, पर मेरे पास ज्यादा सामान नहीं है। बड़े? हाँ? ये ले लो। वाह, शुक्रिया मुन्ना। तो तुम्हारे पास काफी बचेगा। हाँ है। शुक्रिया मुन्ना। ठीक है, मैं चलता हूँ। बाय बाय। अब बड़े अपनी टोपी बना सकता है। मेरे पास तो एक ही बचा है। अब मैं इससे क्या बनाऊँ? ओ, मिस्टर तो तुम यहाँ हो मुन्ना, चलते वक्त अपना ख्याल रखना। माफ करना मिस्टर बंता, मैं अपनी गुड़िया के लिए पोशाक बनाने का सोच रहा था, मैंने आपको देखा नहीं। वाह मिस्टर बंता, आपकी शर्ट बहुत अच्छी है। मुझे ये शर्ट पसंद है क्योंकि इसका डिजाइन बहुत अच्छा है। ये डिजाइन तो बहुत अच्छी है। मैं ड्राइंग प्रैक्टिस के लिए ये डिजाइन यूज कर सकता हूँ। प्रैक्टिस? टाइगर्स? ये बहुत अच्छा आइडिया है। और वो क्या है? बाय मिस्टर मंता। ए, मुन्ना, आराम से जाओ। एक और। आहा, ये हो गया। मुझे देखने दो। पर ये अच्छा नहीं लग रहा। एक और बनाता हूँ। ये अच्छा लग रहा है, खास भी नहीं लग रहा। हाँ? मन्ना, 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 यहाँ देखो मेरे पास क्या है। मैंने ये रिंकी और सारे लोगों को दिखाया, उन्हें भी बहुत पसंद आया। देखो। वाओ, ये बहुत अच्छा है। हाँ? सच में? हाँ। शुक्रिया। वाओ, ये तुमने बनाया है? बहुत अच्छा है। मैं कागज पर डिजाइन बना रहा था अपने खिलौने के लिए। क्या, कागज के बने कपड़े? हाँ, ये देखो। मुन्ना, तुम बहुत टैलेंटेड हो। हाँ? शुक्रिया, पर मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर सकता हूँ। और पता नहीं ये किसी को पसंद भी आए या नहीं। कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छा है, दूसरों को जरूर पसंद आएगा। ठीक है। पर मुझे चिंता है कि इस तरह के कपड़े लोग पसंद नहीं करेंगे। क्या, चिंता मत करो, हम जाकर मिस बैनर्जी से पूछते हैं। अगर उन्हें ये डिजाइन पसंद नहीं आई तो? मन्ना, अपने काम पे यकीन रखो। ठीक है, चलो मुन्ना, हम मिस बैनर्जी के
रिंकी तुम यहाँ हो? हाँ, मेरी पोशाक में एक प्रॉब्लम है, बस वही मिस बैनर्जी को दिखाने आई हूँ। ये देखो कैसा है। वाओ, ये बहुत ही सुंदर है। क्या मैं इसे पकड़ सकता हूँ? जरूर। ये देखो मन्ना। हाँ? रिंकी तुम बहुत अच्छी सिलाई करती हो। तुम्हारा भी अच्छा होगा ना? तो क्या तुम लोगों ने मिस बैनर्जी को देखा यहाँ? हाँ, बाबू ने भी कपड़े बनाए हैं। पर मेरा इतना अच्छा नहीं है। मुन्ना घबराओ मत, अपना काम दिखाओ, अपने काम पर यकीन रखो। ठीक है, पर मेरा अच्छा नहीं है। मुन्ना तुमने बहुत अच्छा काम किया है, रिंकी को दिखाओ जैसे उसने तुम्हें दिखाया। मुन्ना दिखाओ मुझे। ठीक है फिर, लेकिन वादा करो कि तुम हंसोगे नहीं। हाँ? हम नहीं हंसेंगे। तो फिर वादा? हाँ वादा करती हूँ। पापा दिखाओ। वाह, कागज के कपड़े। कुछ गिर गया है। ये बहुत खराब डिजाइन है मुन्ना। तुम्हारा मुझसे बहुत अच्छा है। मुन्ना, मुझे लगता है मुन्ना ने बहुत अच्छा काम किया है, बस हमें उसकी थोड़ी और मदद करनी होगी। हाँ। मुन्ना को और मेहनत करनी होगी, चलो हम उसकी मदद करें। हाँ, पर कैसे? हम क्या कर सकते हैं? मुझे सोचने दो। यहाँ पर तो कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ जिसने कुछ नहीं बनाया। अब मैं क्या करूँ? कौन है? वाह, ये कपड़े तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं जादूगर छोटी हूँ। अब ध्यान से देखो। एक, दो, तीन, तड़ा। बहुत बढ़िया। ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया। कोई बात नहीं। कुमारी रिंकी। बहुत बढ़िया, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। और मैं हूँ राजकुमार लल्लू। राजकुमार लल्लू, आप भी कमाल के लग रहे हैं। हाँ बेशक। मैं जोकर हूँ। सभी के कपड़े बहुत सुंदर हैं, पर मैं कुछ भी नहीं बना पाया। मुन्ना, तुम्हारे ही डिजाइन के कपड़े हमने बनाए हैं। जाने पहचाने? पर ये अच्छा नहीं लग रहा, फिर से करता हूँ। हाँ, ये वही डिजाइन है जो मैंने बनाया था। हाँ, तुमने जो कागज पे डिजाइन बनाए थे उन्हें ही हमने बनाया है। अच्छे लग रहे हो। गुड मॉर्निंग बच्चों, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? क्या बात है बच्चों? मिस बैनर्जी, ये सारे डिजाइन्स मुन्ना ने किए हैं। मुन्ना, ये कमाल का है। शुक्रिया मिस बैनर्जी, हमने सोचा अपने खिलौने के बजाय क्यों ना हम अपने लिए ही कपड़े डिजाइन कर ले। बहुत अच्छे, सबकी ड्रेस बहुत सुंदर है। सच में मुझे लगा था कि मेरे डिजाइन किए हुए कपड़े लोगों को पसंद नहीं आएंगे। मुन्ना, सब तुम्हारे डिजाइन को पसंद करते हैं, अपने आप पर विश्वास करो। मुन्ना, क्या तुम मेरे लिए और डिजाइन बना सकते हो? जरूर। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। राजकुमार के लिए सबसे पहले बनाओ। आज बहुत ही प्यारी हवा चल रही है, महसूस किया? चलिए देखते हैं छोटे और बड़े क्या कर रहे हैं। ऊपर आ गया। बड़े, मेरे खरगोश वाले कानों को देखो, वो बहुत बड़े हैं। छोटे, मेरे पास चिड़िया की तरह पंख है। मैं उड़ रहा हूँ।
वो क्या था? ये तो जंगली बत्तख है। ओए, मेरा नाम बॉब है, मैं जंगली बत्तख हूँ। और तुम लोग कौन हो? तुम लोगों का क्या नाम है? मेरा नाम बड़े है और मैं छोटे, पर बॉब। बाकी की सब बत्तख तो दक्षिण की ओर गई है सर्दियों में, तुम अब तक यहाँ क्यों? ये करार इतने अच्छे है कि कोई जल्दी नहीं है। खत्म करके बताता हूँ। पर बॉब, तुम मेरे जितने बड़े हो, क्या तुम उड़ सकते हो? मुझे लगता है कि मैं उड़ सकता हूँ। तुम दोनों पीछे हटो, तुम्हें अभी दिखाता हूँ। मैंने कहा था ना तुम दोनों को कि मैं उड़ सकता हूँ। देखो तुम दोनों, तीसरे और चौथे जैसा। बाप, क्या तुम ठीक हो? कुछ ज्यादा ही उड़ान हो गई। वैसे बाप, मुझे लगता है तुमने इन दिनों कुछ ज्यादा ही खाया है। नहीं, हो सकता है मैं उड़ पाऊँ। क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे? बाय दाएं, बाय दाएं, बाय दाएं। चलो बाप, चलते रहो। बाय दाएं, बाय दाएं, बाय। बस पहुँच ही गए बाप। आराम चाहिए। बाय दाएं, बाय। हम ऊंचाई पर आराम कर सकते हैं। बाय दाएं, बाय दाएं, बाय दाएं। सुन रहे हो बाप? चलो चले। आ रहा हूँ। छोटे, थोड़ा धीरे चलो। बाय 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 बाय। तुम कर सकते हो बॉब, तुम अच्छा कर रहे हो बॉब। चलो चलो बॉब, तुम तकरीबन पहुँच गए बॉब। तुमने कर दिखाया बॉब। ठीक है, हमें जल्दी करना होगा। देखो सूरज ढल रहा है। छोटे, अब मुझे नहीं होगा। क्या हुआ? छोटे, चलो बॉब, हम काफी नजदीक पहुंच रहे हैं। बड़े, छोटे, आखिर हमने कर दिया। ये एक लंबी वॉक थी। छोटे, आखिरकार मैं पहुंच गया। बॉब, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। छोटे, ठहरो, तुम सारा वक्त खा रहे थे, तुम जितना चले वो बेकार हुआ। बड़े, तलाशी लो, सारा खाना निकाल दो। मैं बताता हूँ, मैं गलत था, मैं माफी चाहता हूँ। रुको 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 रुको, बड़े बड़े, देखो कि तुमने सब निकाल लिया है। क्या यही सब कुछ है? बस इतना ही होना चाहिए। बहुत बढ़िया, अब सारे खाने को दूसरी जगह रख दो, जहाँ ये ढूंढ ना पाए। मेरे सारे चिप्स। ठीक है बच्चों, अब तुम सब खा लो। और बॉब, खाना अच्छी तरह खाना, ज्यादा जंक फूड मत खाना। ठीक है ठीक है, चलो शुरू करें। बॉब, क्या तुम्हें पसंद आया? बढ़िया। वो क्या था? कब की तरह दिख रहा है? मैं पकड़ लूंगा। कब इतना नीचे कैसे आ गया? मुझे नहीं पता। चलो फल खाते हैं। मेरा हो गया। अब भी बहुत बचा हुआ है। बड़े, वो देखो, एक सुंदर तितली। तितली कहाँ? मुझे नहीं दिख रही। जरूर उड़ गई होगी। वैसे मेरा हो गया है। बहुत बढ़िया बॉबी, तुमने खा लिया। मुझे थोड़ा जल्दी खाना चाहिए। हाँ? हाँ?
मीठे मीठे करारे करारे मेरे चिप्स। ये मुझे दो। नहीं दूंगा। क्या हो रहा है? मुझे वापस दो। बिल्कुल नहीं। मेरे चिप्स मुझे वापस दो। मेरा है, मुझे चाहिए वो चिप्स। सुनो, तुम्हें चुनना होगा, या तो तुम अपना खाना खाओ या वजन घटाओ। मैं वो अपने ठीक है, आज से तुम अपने रास्ते। बड़े चलो। रुको छोटे। बाय बॉब। बड़े मेरा झुंड, मुझे छोड़कर मत जाओ। हम रुको, मेरे लिए मैं भी आ रहा हूँ। रुको, मैं आ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए रुक जाओ, मेरे लिए रुक जाओ। ये तो बॉब है। बॉब? मामे। बॉब। बॉब, क्या हुआ बेटा? मुझे बताओ, रो क्यों रहे हो? मेरे सभी दोस्त चले गए। फिक्र मत करो। क्योंकि 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 मैं बहुत मोटा हूँ। हाँ? बॉब, वजन घटाने के लिए सिर्फ एक्सरसाइज नहीं करनी होती, अच्छा खाना भी खाना होता है। तुम बहुत जंक फूड खाते हो, जबकि वजन घटाने के लिए तुम्हें अच्छा घर का खाना खाना चाहिए। समझ गए? मैं वादा करता हूँ, अब मैं चिप्स नहीं खाऊंगा। शाबाश, ये हुई ना बात, हम सब मदद करेंगे। हाँ। शुक्रिया। चलो दोस्तों। अरे वाह, लॉलीपॉप। वापस आओ। शुक्रिया। चलो। तुम्हें करना है। जाओ बॉब, जाओ। हमें तुम पर विश्वास है। कर सकते हो। देखो दोस्तों, मैं उठ सकता हूँ। छोटे, देखो मैं उड़ रहा हूँ। अब मैं अपने झुंड में शामिल हो सकता हूँ। ये बढ़िया है। चलो शुक्रिया दोस्तों, मेरी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे बड़े, जाने का वक्त हो गया है, फिर मिलेंगे दोस्तों। चलता हूँ, बाय बाय। मम्मी, क्या हम आपको दोबारा मिल पाएंगे? वो अगले साल वापस आएगा। मैं अगले साल का इंतजार नहीं कर सकता। तो चलिए जानते हैं आज बबलू बबलू पार्क में क्या होने वाला है। चलो लुका छिपी खेले। आओ चलो करो। ठीक है, मेरे लिए रुको। मैं तुम्हें यहाँ छुपाता हूँ, इस तरह तुम्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। ठीक है, से फिर मिलते हैं। मीठा है, बहुत यम्मी। हाय दोस्तों। हाय
मेरे सेब में से खा लो। थैंक यू बड़े। अरे हाँ, मेरे पास भी है। हे निको, तुम क्या ढूंढ रहे हो? ये रहा, देखो, मिल गया। देखो दोस्तों, वो सेब कितना गंदा दिख रहा है, कि अंदर बाल उग आए हैं। मैं भूल गया था, एक दिन पहले मैंने इसे छुपाया था, इसलिए ये सड़ गया है। मेरी मम्मी कहती है हमें सड़ा हुआ सेब नहीं खाना चाहिए। पर तुम्हें नहीं लगता ये सेब बालों के साथ कितने अच्छे लग रहे हैं? हाँ सच में, मैंने भी ऐसा सेब पहली बार देखा है। वो तो ठीक है, पर इस पर बाल क्यों उगे हुए हैं? हे निकु, हम मिस बैनर्जी से जाकर पूछे तो? बढ़िया आइडिया है, मिस बैनर्जी को सब कुछ पता है। चलो बड़े, चलते हैं। मिस बैनर्जी, मिस बैनर्जी, मिस बैनर्जी। मिस बैनर्जी, मिस बैनर्जी, देखिए इस सेब पर बाल आ गए। बच्चों, सड़ा हुआ सेब तुम्हें बीमार कर सकता है, इसे बिल्कुल मत खाना। हम नहीं खाएंगे। मिस बैनर्जी, हमें ये जानना है कि इस सेब पर बाल कैसे आ गए? तुम्हें कैसे पता कि ये बाल हैं? ये अच्छा सवाल है। मुझे पता है, हो सकता है सेब को ठंड लग रही हो, इसलिए उसने गर्म रहने के लिए बाल उगा लिए हो। हो सकता है खाए जाने के डर से बाल उगा लिए होंगे। बाल इसका कवच होगा। सही है, यही हो सकता है। पर बाल गर्म करने के लिए होते हैं। बड़े, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम लोग एक एक्सपेरिमेंट करो और ये देखो कि सेब में बाल कैसे उगते हैं। हाँ ठीक है। तो बड़े, क्या हम शुरू करें? क्या सेब तैयार है? ये तैयार है। बढ़िया। निकु, हम इसे कहाँ रखेंगे? मंगू, चलो निको छिपी खेलते हैं। उसे उस टेबल पे रख दो सूरज के नीचे। ठीक है, बता है। सूरज के नीचे। बड़े चलो चले। निको कह रो, क्या हमें देखते रहने की जरूरत नहीं? नहीं, हमें नहीं देखना, हम दिन में दो बार देखेंगे, इतना बहुत है। बड़े तुम लोग क्या बात कर रहे हो? एक सेब? अरे नहीं, नहीं, ये सेब हमारा एक्सपेरिमेंट है, सेब को मत खाना। ठीक है, नहीं खाऊंगा। चलो मंगू, हम खेलते हैं। हाँ ठीक है, चलो चले। हे बड़े, कुछ खेल खेलना चाहोगे? ठीक है। हाँ। निकू, ये सेब इतना सूख क्यों गया है? शायद हो सकता है गर्मी की वजह से। बहुत गर्मी है, अब मैं समझा, हमने इसे सूरज के नीचे रखा जिससे इसके बाल उग गए। अच्छा पॉइंट है बड़े, तुम सही हो। चलो एक बार और कोशिश करते हैं। आ जाओ। आखिरी बार मैंने इस सेब को इस डेस्क के नीचे रखा था। तुम्हें यकीन है ये काम करेगा? पक्का तो नहीं कह सकते, पर करके देखते हैं। इतनी गंदी बदबू यहाँ कहाँ से रही है? राजकुमार लल्लू, वहाँ देखो, एक सड़ा हुआ सेब। ये सड़ा हुआ सेब किसने रखा? राजकुमार लल्लू, रुको। राजकुमार लल्लू, वो सेब हमारा एक्सपेरिमेंट है। इतनी गंदी बदबू मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। राजकुमार लल्लू, ये देखो। इतनी गंदी बदबू, तुम जाकर हाथ धो लो। बड़े, दूसरा सेब लेके आओ, मैं अभी आता। लगता है हम कुछ भूल रहे हैं।
बड़े मुझे पता है हम क्या भूल रहे हैं। अरे नहीं नहीं कू, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए है। मुझे पता है, मुझे पता है, मैं एक्सपेरिमेंट के लिए कर रहा हूँ। बड़े तुम बताओ। ठीक है। बढ़िया, इस बार ये काम करेगा। बड़े जल्दी आओ। आ रहा हूँ। देखो इसके बाल आ गए। वाह, ये काम कर रहा है। रुको, मैं मैग्नीफाइंग ग्लास लाया हूँ। ठीक है, मैं इंतजार नहीं कर सकता। वाह, ये देखो तो इसे। ये तो बर्फ जैसा दिख रहा है। ये गजब का है। ये छोटे जंगल जैसा है। ये हमने क्या दिखाया? हमने सेब के बाल उगा दिए। चलो मिस बैनर्जी को जाकर ही खुशखबरी दें। सेब को संभाल कर पकड़ो बड़े। बताओ बच्चों, तुमने क्या एक्सपेरिमेंट किया? हाँ, सबसे पहले हमने सेब को सूरज के नीचे रखा था बाल उगाने के लिए। हाँ वो सही है। और दूसरा सेब डेस्क के अंदर सड़ा और उसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही थी, पर उसके बाल नहीं थे। ओके। और ये सेब जिसे हमने खाया है उस पे बाल उग गए और हमने उसे भी डेस्क के अंदर रख दिया। बहुत अच्छे, तो इससे तुमने सीखा कि सेब के बाल कैसे उगते हैं। लेकिन याद रहे बच्चों, सेब के अंदर कुछ ऐसा होता है जो दिखता नहीं पर बाल उग जाते हैं। कुछ तो जो हमने नहीं देखा, वो आखिर क्या हो सकता है? मुझे नहीं पता। हो सकता है नन्हे लोग और जानवर। वो छोटी चीज असल में फंगस होती है। फंगस? मिस बैनर्जी, फंगस क्या होता है? हाँ मिस बैनर्जी, क्या वो शर्मीले हैं जो सामने नहीं आते? दरअसल फंगस कीटाणु होते हैं। छोटे छोटे कीटाणुओं का एक समूह होता है जो हमारी आँखों से नहीं दिखता, लेकिन आप बिल्कुल माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो हमें नजर आएगा। सच में फंगस हर जगह होती है। एक बार ये अपना घर बना ले तो इनकी मात्रा बढ़ जाती है। ये हर जगह फैल जाती है। पर मिस बैनर्जी, सेब में ही क्यों फंगस आते हैं? वो इसलिए कि सेब का छिलका सुरक्षा करने के लिए होता है, लेकिन एक बार ये अंदर घुस जाए तो फिर इसे कोई नहीं रोक सकता। तो ये पीली चीज क्या है? असल में बहुत सारी किस्म की फंगस होती हैं और कई अलग रंगों की। मोल्ड, फ्लोरा, मशरूम। फंगस हमेशा नमी वाली जगहों में उगती है। अगर वो सेब में घुस जाए तो हम देख सकते हैं सेब का रंग बदलने लगता है और सेब बिल्कुल जहरीला हो जाता है। कितनी अजीब सी दुनिया है जो हम देख नहीं सकते, ये बढ़ते जाती है। देखो अगली बार अगर तुम अपना एप्पल ना खा पाओ